हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून 2020 को है। दैट मींस कि हमारे पास में काफ़ी लिमिटेड टाइम है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और यूँ कहिए दिस इज़ द रिवीजन टाइम। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक सी सेट के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस। ओके, बिकॉज माइंड में एक परसेप्शन बना होता है कि सी सेट क्वालिफाइंग है, हम लास्ट मोमेंट पे भी प्रिपेयर कर लेंगे। बट इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते बेटा। अभी आप देखिए कि काफ़ी लिमिटेड टाइम है आप लोगों के पास में। तो जब हम सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को हो रहा है कि अब क्या करें, अब तो एक महीना भी नहीं बचा, अब हम क्या करें। तो उसके लिए क्या हम एक कम्प्लीट कोर्स लें सी सेट का, जिससे हम कम्प्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है, या फिर हमें टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए, या हम सिंगल सिंगल टॉपिक्स के थ्रू प्रिपेयर करें। तो अभी पीडिया जैसे कि आप लोगों को फुल फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है हर तरह के प्रिपरेशन के लिए, वीडियो कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज सभी कुछ अवेलेबल है। बट क्या अभी हमारे पास में टाइम है कंप्लीट करने का? नहीं, अभी हमारे पास में टाइम कंप्लीट करने का नहीं है। नाउ इट इज द टाइम टू डू द स्मार्ट वर्क। कैसे आप लोगों ने लिमिटेड टाइम के लिए अपने सी सेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए अभी पीडिया स्पेशली आप लोगों को एक 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है। 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन क्यों? बिकॉज अपने पास में टाइम कम है, और इस 1 मंथ के अंदर आप लोगों को फुल एसेस रहेगा ऑन ऑल द वीडियो कोर्सेज, ऑन ऑल द माइक्रो कोर्सेज एंड ऑन ऑल द टेस्ट सीरीज। ओके, अब बात आती है कि इतने टाइम में हम इतना कुछ तो कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए आपने क्या करना है। जैसे आप बेटा फुल सब्सक्रिप्शन लेते हो, यहाँ पे हमारे पास में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अब जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो 1 मंथ की, वैसे तो 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, पहले 6 मंथ और 12 मंथ की थी, बट अभी एग्जाम में टाइम कम है इसलिए स्पेशली हमने आप लोगों के लिए 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करी है। ये है 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, जिस पे आपको पूरा 50% का डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड यू विल गेट दिस इन ओनली 1500 रुपीज। ओके, 1 डे का ट्रायल भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, सो दैट कि एक बार आप चेक कर सको कि इसके अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जब आप इस फुल सब्सक्रिप्शन को ले लेते हो तो उस केस के अंदर आपके डैशबोर्ड पे सभी के सभी सी सेट के कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे बेटा आप लोगों का यहाँ पे डैशबोर्ड हो गया, यहाँ पे आ रहा माइक्रो कोर्सेज। देखिए, चेक करिए यहाँ पे, जब आप कोर्स को ले लेते हो पहले आप 1 डे का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद में आप जा सकते हो 1 मंथ के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आ रहा है बेटा माई कोर्सेज, आपको जाना माई कोर्सेज पे, ठीक है। जब आप 1 डे का सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उस केस के अंदर माई कोर्सेज के अंदर आप लोगों को सभी सी सेट के कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, टेस्ट सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट, ठीक है, इंग्लिश, यूपीएससी सी सेट का कंप्लीट कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, साथ में यहाँ पे क्वांट, करंट अफेयर, सी सेट, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि हाँ सिर्फ सी सेट को ही मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, साथ में आपको ऑब्वियसली जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेटा कुछ और भी मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की टेस्ट सीरीज। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, काफी कुछ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अब बात है कि इतना सारा कुछ कैसे पढ़े। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि पढ़ना कैसे है, आप लोगों ने पढ़ना कैसे है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये देखिए कि मेरा सिलेबस क्या है, ठीक है। अब सिलेबस में सभी को पता क्या आएगा, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश आएगा आपके सिलेबस के अंदर। अब हमने करना क्या है कि यहां से हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, जब आप बेटा जाते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तो यहाँ पे देखिए ऐसे तो सभी कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, आपने कंप्लीट पे नहीं जाना, आप सिंपल पहले ये देखो कि मैंने क्वांट देखना है, लॉजिकल रीजनिंग देखना है, इंग्लिश देखना है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आप कंप्लीट में मत जाओ, कंप्लीट में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। आपने करना क्या, सीधा जाओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है, क्वांट में चले गए। जब अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पे आप लोगों के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ गया, डन, एक्टिवेट हो गया आपका कोर्स, वहां से बेटा एक्टिवेट करना है आपने।
जब आप उसको एक्टिवेट कर लेते हो, ये देखो यहाँ पे आपके पास में सारे लेक्चर आ रहे हैं। नंबर सिस्टम के आप देख रहे हो 7 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से आगे LCM HCF 3 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, नंबर सीरीज 3 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एवरेज 3 लेक्चर्स अवेलेबल। इस तरह से आपके पास में पूरे का पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे। अब पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं करना आप लोगों ने, पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं करना। क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि हमारे सिलेबस में से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अगर हम बात करते सबसे पहले नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम का बेटा एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। नंबर सिस्टम, अब यहाँ पे 7 लेक्चर अवेलेबल है और हर एक लेक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर एक लेक्चर के साथ में आपको क्या मिल रहा है, वेब नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। साथ में ये आपको PDF मिल रही है और साथ में एक ऑनलाइन टेस्ट भी मिल रहा है, ओके। तो अगर मान लो आप ये 7 लेक्चर चेक करते हो और 7 लेक्चर के अंदर हर एक के आप PDF चेक करते हो, हर एक टेस्ट को आप खुद से अटेम्प्ट करते हो, तो उसके बाद देखो आपका एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर मैं आपको बताऊं बेटा 10 से 15 टॉपिक सारे ऐसे हैं, सिर्फ अगर उनको तैयार कर लोगे ना आपका CSET क्वालिफाई है। सिर्फ 10 से 15 टॉपिक आप लोगों को तैयार करने, 15 मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको ये है कि हाँ जी कोई भी थोड़ी मोटी कमी नहीं रहनी चाहिए, तो उसके लिए आप 15 मान के चलो। अगर 10 टॉपिक्स 5 क्वांट के, 5 टॉपिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 5 टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग के, और आपके पास इंग्लिश का, तो बेटा एक ही टॉपिक है, एक टॉपिक आपका इंग्लिश का। सिर्फ आप ये मान के चलो कि 11 टॉपिक्स के बेस पे आपका CSET क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बट वो 11 टॉपिक हमने क्या करना, पूरे 11 टॉपिक्स को हमने ऐसे प्रिपेयर कर लेना है कि उसमें से चाहे कुछ मर्जी आ जाए, चाहे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आए, चाहे डाटा सफिशिएंसी पे आए, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड आए, आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाओ, ओके। तो उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए, ओके। अगर आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए कंप्लीट कोर्स लेते हो, आप 10-12 हजार रुपए खर्च करोगे, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 1500 के अंदर आपको सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए जिन जो जो एग्जाम के अंदर आने हैं, ओके। इसके बेस पे आपका CSET क्वालिफाई हो जाएगा, मैं 100% इस बात की गारंटी लेती हूँ। बट आपके लिए, उसके लिए बेटा एफर्ट आपको 101% का खुद को करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाद में यहाँ पे इसी तरह से सेम वे यू कैन गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब यहाँ से था आपके पास में माई कोर्सेज में, जैसे बेटा हम गए हैं तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास में टेस्ट हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, टेस्ट अटेम्प्ट करिए, ठीक है। उसके बाद में इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग किया हमने और लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब उसके बाद में आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी भी नहीं स्किप करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बेटा मस्ट है। अब जब आपको सारा कुछ मिल रहा है तो प्रीवियस के लिए कहीं और थोड़ी ना जाना है आपने, जब सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल रहा है तो नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चले जाइए, ठीक है। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, ओके। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके अंदर भी देखिए बेटा क्या है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जा रहे हो तो वहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, हाँ जी एक बार एक्टिवेट जरूर करना है सभी ने, एक्टिवेट करोगे आप जब भी स्टार्ट करोगे, कहीं बाद में आपको लगे कि हाँ जी हमारा चल नहीं रहा, एक्टिवेट करना है आपको, ओके। अब जो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जा रहे हो तो वहां पे भी आपको देखो, यहाँ पे देखिए जैसे मेंट और मेंटल एबिलिटी के, हाँ जी नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे अवेलेबल है, आपको पता कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर एक के साथ में अगेन एक टेस्ट भी अवेलेबल है, ओके। तो इस तरह से आपका पर्टिकुलर टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। साथ में ही अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए बेटा, टेस्ट अब टेस्ट के अंदर हो गया सेक्शनल टेस्ट प्लस कंप्लीट मॉक। अब उसके लिए भी देखिए यहाँ पे आपके पास में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाएंगे टेस्ट, ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर भी अगर आप देखो तो यहाँ से आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए अलग से टेस्ट मिल रहे हैं, क्वांट के अलग से टेस्ट मिल रहे हैं, हाँ प्रीवियस ईयर के टेस्ट भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और एक यहाँ पे कंप्लीट भी है जिसके अंदर आपको कंप्लीट मॉक्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स बट कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंडर आप अगर एक 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, उस केस में आपको फुल एसेस मिल रहा है ऑन ऑल द वीडियो लेक्चर्स, on all the test series and on all the micro courses. So student, I think you should go for this course.
तो अभी ने आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है, वन डे की सब्सक्रिप्शन बेटा फ्री है, आप ले सकते हो वन डे का सब्सक्रिप्शन। यस, देयर इज वन डे सब्सक्रिप्शन, दिस इज फ्री ट्रायल फॉर यू। अगर आप लोगों को लगता है कि दिस इज द बेस्ट कोर्स, इन दैट केस यू कैन गो फॉर वन मंथ सब्सक्रिप्शन। अभी 50% का डिस्काउंट इस पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, सभी ने इसको अभी ज्वाइन करना है, अभी की अभी ज्वाइन करेंगे सभी। ओके, जो भी आपकी कोई क्यूरी है, इन दैट केस आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी आपकी क्यूरी है रिगार्डिंग सी सेट कोर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, बने रहिए अभी पीडिया के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।